बिस्मिल्लाह। खर्चा कितना हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? दुआ है आप तमाम देखने वाले दोस्त साथ खैरियत से होंगे। तो आज हम आए हैं साहिल समंदर पर और ये देखने यहाँ पर कैसी और कितनी इंक्रोचमेंट है, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ ऐसी इंक्रोचमेंट नज़र नहीं आई सिवाय समंदर के और ख़ूबसूरत साहिल। खैर ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ। आज हम आए हुए थे हिमालय पॉइंट की तरफ और बड़ा खूबसूरत व्यू था, तो मैंने कहा क्यों ना छोटा सा एक ब्लॉग बनाया जाए। और जैसे आजकल कराची में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन यकीन जाने यहाँ पर आने के बाद गर्मी का एहसास ख़त्म हो चुका है। बड़ा खूबसूरत साहिल है और बहुत प्यारे प्यारे हट बने हुए। ये सामने वाले हट पर हम रुके हैं। समंदर इस वक्त नॉर्मल है, लेकिन शाम का टाइम है, आहिस्ता आहिस्ता तेज़ बढ़ जाएगा समंदर। कुछ फैमिलियाँ यहाँ आई हुई हैं इंजॉय करने के लिए, और वो सामने मैंने क्लोज करके दिखाया, शिप जो है वो जा रहा है शिपिंग लाइन का। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे हैं। बड़ा खूबसूरत मंजर सामने, एक लॉन्च भी हमें नज़र आ रही है, क्लोज करके दिखाते हैं शायद आपको। काफ़ी मेरे ख्याल में एक ही फैमिली है जो यहाँ पर आई हुई है और ये एंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। बहुत सी फैमिलियाँ जो होती हैं वो आम दिनों में आना पसंद करती हैं कि ज़्यादा रश ना हो तो सुकून के साथ कंफर्टेबल हो जाए अपनी फैमिली के साथ और इन्जॉयमेंट कर सकें। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कोई रश नहीं है और समंदर अब तेज़ होता जा रहा है। शाम के टाइम समंदर जो है वो तेज़ हो जाता है। थोड़ा हम भी समंदर के पास चले जाएं। ज़बरदस्त, ओहो हो, बड़ा प्यारी लहरें और पाँव पानी के अंदर गया है, ये देखें तो बड़ा अच्छा लगा है। खूबसूरत साहिल हिमालय बीच का। यहाँ ये फैमिली जो है एंजॉयमेंट करती हुई इंजॉय कर रहे हैं तमाम लोग। कुछ लोग थोड़ा आगे ज़्यादा गए हुए हैं जिनको जाना नहीं चाहिए, इंजॉय करें लेकिन केयरफुल हो के। दूसरी तरफ के मनाजिर, बड़ा खूबसूरत साहिल, सामने पत्थरों का टीला बना हुआ है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बच्चे एंजॉय करते हुए, अच्छा दोस्तों इसकी मैं लोकेशन आपको बता दूं, ये मनोड़ा से थोड़ा काफ़ी पहले में है, हिमालय बीच नाम है इसका और ये मनोड़ा के जाते हुए रास्ते में पड़ता है। चलें कुछ फैमिली से बात करते हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को? खर्चा कितना हो गया? 1000 रुपये पर हेड आया। 1000 रुपये, वेरी गुड। खाने में क्या क्या है? खाने में क्या क्या है? बिरयानी के देंगे 7 किलो की। 7 किलो की 12000 की बनी है। खाना मिलेगा हमें भी? एक शॉट लिया है हमने आपका। आपको एक प्लेट क्या आधी प्लेट दे देंगे, कोई मसला नहीं। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक।
इस एंगल से आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत साइड लग रहा है और बड़ा पुरसकून माहौल है यहाँ पर दोस्तों। और चंद फैमिलियाँ यहाँ आई हुई हैं पिकनिक बनाने, क्योंकि वर्किंग डे है जैसा मैंने आपसे जिक्र किया। और अगर सैटरडे या संडे होता तो फिर ज़्यादा रश लगा हुआ होता। तो बहुत से, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, बहुत से लोग रश में आना पसंद नहीं करते, आम वर्किंग डे में आते हैं ताकि सुकून के साथ अब कंफर्टेबल होकर अपनी फैमिली के साथ पिकनिक एंजॉय कर सकें। बॉल यहाँ पर आ गई है, हमारे बॉल को लेने आए हैं ये। ये बॉल गई और ये साहब बॉल को लेने आए हैं। थक गए हैं लगता है, काफी थक गए हो, बहुत थक गए। कब से आए हुए हो? नौ बजे के आए मेरे भाई, माशाल्लाह। यानी आज सारी छुट्टियां करके एंजॉय करने आए। तो चले दोस्तों, यहाँ वीडियो ख़त्म करते हैं। हम भी एक कप चाय पिए जो हमारे दोस्त हट पर इंतज़ार कर रहे हैं। हमने कहा हम थोड़ा साहिल के पास जाके थोड़ा सा एक छोटा सा ब्लॉग बना लें आप लोगों के लिए, समंदर के नज़ारे। तो इजाज़त चाहते हैं जो हमारे नए आए हमारे चैनल पर, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। और यहाँ से हम निकलेंगे शहर की तरफ वापस। तो इजाज़त चाहते हैं, फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।